अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हमारी सुबह का हो गया है आगाज़, नाश्ता हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सफाई वफाई अभी बाकी है। तो आज मेरा बहुत दिल था कि मेरे पास ये रो मैंगोज़ रखे हुए थे, कच्ची केरियाँ, कच्चे आम। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह का आगाज़ कुछ मीठे से किया जाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इसका मुरब्बा, मतलब समझ लें एक तरीके से चटनी या मुरब्बा जो भी कह लें। और दूसरा मैं इसको इस्तेमाल करूँगी शरबत में। तो आप गर्मी है, गर्मी में तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, मज़े की लगती हैं, मैदे को भी ठंडी रखती हैं। तो आज मैं ये दोनों चीज़ें बनाती हूँ और आप मेरे साथ रहिएगा। तो आमना मेरी हेल्प करवाएंगी, सलाम तो करो आमना। अस्सलाम वालेकुम। तो आमना आज मेरी हेल्प कराएंगी। आमना आप क्या कर रही हैं? इसको पील करूँगी। अच्छा, पील करेंगी। पहले ना ऊपर से ऐसे इसका जो हेड है ना उसको हम करेंगे कट। जब इसको हम कट कर देंगे तो पील इजीली होगा। ठीक है, मैं सब कट करूँगी और आप जो है ना फिर मेरे साथ पील करवाना। ठीक है, अच्छा इस तरीके से पहले ना मैं सबके हेड निकाल देती हूँ ऐसा। ठीक है, फिर हम उनको पील करते जाएंगे और फिर उस बाउल में रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से सब करके, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब आज भी इतनी धूप है फ्रेंड्स, आम भी आ ही गए, आम भी तकरीबन आ ही गए। लेकिन वही वाली बात है ना, लोग अक्सर बस यही कहते हैं कि जब तक बारिश ना हो ना तो आप आम खाओ नहीं। इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है सर्दियों से आई। तो इस तरीके से फिर हम पील कर लेंगे। अच्छा, पीलर का फ़ायदा ये होता है कि पीलर जो है ना सिर्फ स्किन को पील करता है। अगर हम नाइफ से करेंगे ना, देखिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। जब हम नाइफ से पील करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा जो आप देखते हैं इसका गूदा भी साथ साथ जा रहा है। तो पीलर में ये होता है, ये देखें ये सिर्फ स्किन है, ये इसका फ़ायदा होता है। ये देखें इस तरीके से हम सारी ये पील कर लेंगे। चलें आमना, आप मेरी हेल्प करवाएँ। ओके और फ्रेंड्स, आज देखें कितनी धूप हो रही है, आज कल से ज़्यादा हो रही है क्योंकि अब हो गए 12 o'clock। सुबह सुबह अगर हम यहाँ, मैं तो खैर बैठी थी आके, बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ, दिखाएं ज़रा आना। मैं आज एक और चीज़ दिखाती हूँ कि कल मैंने आपको ये प्लांट्स दिखाए थे। ये देखें, ये हमारे आते हैं चूहे। ये देखें, चूहों ने रोज़ जो है ना ये खोद कर, अब मुझे ये डर लग रहा है कहीं ये मेरा प्लांट ही ना ख़राब ना हो जाए। और फ्रेंड्स, आपको बताइए मैंने सारे अपने हाथ से उगाए, ये नीचे नहीं, ये ऊपर ही नहीं, सॉरी ये नीचे भी यही। अल्हम्दुलिल्लाह जो कैरियाँ हैं ना, ये रो मैंगोज, ये मेरी बेटी आमना ने पील की हैं। ये देखें मेरी बच्ची बेचारी ने कितनी सारी पील की हैं। उसने कहा मम्मा कोई बात नहीं, मैं पील कर देती हूँ। क्योंकि जब तक मैं बॉटल्स फिलअप कर रही थी, बॉटल सारी भरी हैं, पानी वाला भी पानी दे के गया। तो क्योंकि गर्मी है तो बस बच्चों को मैंने जो है ना हल्की आंच पे, देखिए मीडियम फ्लेम पर मैंने जो है ये पानी डाल के कैरियों को मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब जब ये हल्की आंच पे मैं रख दूँगी, जब ये अच्छी तरह पक जाएंगी, फिर मैं आधी सेपरेट कर दूँगी जूस के लिए और आधी मुरब्बे के लिए। तो फिर मैं ये जब तक गल रही है फिर मैं इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। जो है ना मेरी कैरियाँ जो है वो गल रही हैं यहाँ पर, तो जब तक क्यों ना मैं बना दूँ यहाँ पर ना थोड़ी सी फ्रूट चाट। थोड़े मैंने फ्रूट्स वगैरह रखे हैं यहाँ पे वॉश करने के लिए। उसकी वजह ये है कि इब्राहिम मेरा जो बेटा है ना, उसके हो रहे हैं मुँह में छाले काफ़ी दिन से ना, तो वो कुछ मिर्चों वाला खा नहीं पा रहा। तो हम सब तो खा लेते हैं बेचारा ऐसे। ये देखें मेरी जो रो मैंगोज़ हैं ये बिल्कुल गल चुके हैं अच्छी तरह। अच्छा, हमारी लाइट भी चली गई है तो इसलिए मैंने कहा, मैंने कहा फिर भी मैं शूट इसलिए कर लूँ कि ये पक पक के फिर ड्राई ना हो जाए इसका पानी। तो जो मैंने आपको बोला था मैं कुछ जूस के लिए करूँगी और मैं बाकी जो है मुरब्बा तैयार करूँगी। तो यहाँ जो है कुछ जो है मैं सेपरेट कर लूँगी इसमें से पानी, और थोड़ी सी जो है कुक्ड हुई हुई जो केरियाँ हैं वो मैं थोड़ी सी सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि इसका मुझे बनाना है फिर ठंडा ठंडा शरबत। और इतने मज़े का बनेगा, आप यकीन करें। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, बॉटल्स ले लें अपने पास, आप इसको स्टोर कर लें। कोई अगर अचानक से गर्मी में आता है, गर्मी कितनी शदीद होती है। अच्छा, आजकल मेरा टॉपिक यही होता है, आप लोग भी सुन सुन के परेशान हो गए क्योंकि यही गर्मी।
तो ये देखें मैं ये सेपरेट कर रही हूँ। सेपरेट करके मैं इसके जूस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। ये टावल के साथ क्या चल रहा है, ये टावल के साथ क्या चल रहा है। और ज़ैनब की आज एक और हरकत थी, है ना, आज ज़ैनब की एक और ये हरकत थी कि ज़ैनब ने अपना जो इनका सीरप है भूख लगने का वो इन्होंने काफ़ी हद तक पी लिया। फिर भी चले हमने उसको फौरन मैंने खट्टी चीज़ें खिलाई हैं, फौरन मैंने नीम गर्म दूध दिया ताकि इसका कोई इफ़ेक्ट ना हो। वो शरारतें हैं, बच्चे हैं, ज़ाहिर रेंज में होता है तो फिर शरारतें शुरू हो जाती हैं। अच्छा चले अब मैंने ये सेपरेट कर लिया है कुछ, अब मैं इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। इसको हम ढक देते हैं ताकि ये और मज़ीद गल जाए मुरब्बे की शक्ल में आ जाए। फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी क्योंकि मैंने अभी चीनी ऐड नहीं की थी, मैंने इसमें सिर्फ पानी और कैरियाँ डाली थी। अब जो मैं जूस तैयार करूँगी इसमें मैं अभी साथ साथ चीनी मिलाती जाऊँगी, उसको मज़ीद थोड़ा सा और पका लूँगी, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी इन्ग्रीडियंट और डालनी है, कुटी हुई मिर्चें वगैरह मुरब्बे में, तो इसलिए ज़्यादा फिर मैं इसमें तो नहीं डाल सकती थी जूस में। तो अभी मैं इसकी प्रिपरेशन दिखाती हूँ आपको। हाँ, मेरी फ्रूट चाट भी रेडी हो गई है जो मैंने इब्राहिम के लिए रेडी की है। और यहाँ जो है मेरी जूस की प्रिपरेशन भी चल रही है, ये देखें मुझे ऐसे ही रखना है। उसको थोड़ा सा मैं मदानी से ना मैं खुद ही थोड़ा उसको इतना बीट करूँगी कि ये सब पक भी हो जाए, क्योंकि मुझे ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड करने के बाद टेस्ट वो नहीं रहता और बहुत अजीब सी आ जाती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम मसाले पीस रहे होते हैं, तो ग्राइंड करने के बाद बहुत अजीब सा टेस्ट हो जाता है। तो मैं इसको मदानी से ही जो है ना इसको मैं आपको क्रश करके दिखाऊँगी, मतलब ये जो मैंगोज़ हैं ना ये अच्छे पल्पी से हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ शुगर। इसमें मैं जो मेजरमेंट मेरे पास हैं टू छोटे छोटे कप्स के हिसाब से हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, वो हाफ कप बन जाएगा, मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। ये मेरा ना हाफ कप के बराबर है, ये दो अगर मैं डालती हूँ, देखें। अच्छा, मुझे नहीं लगता मुझे इसको पकाने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत बहुत हॉट हो रहा है, तो मैं इसी को जो है ना मैं इसको इतना चलाऊंगी तो ये अच्छा सा थिक सा हो जाएगा, फिर मैं इसकी प्रिपरेशन बाद में बताती हूँ। ये देखें ये मेरा शरबत रेडी हो गया है, ये देखिए स्क्वैश की जो है ना शक्ल में आया है। मैंने काफ़ी हद तक इसको जो है ना ये इससे मदानी से ना मैंने इसको किया था, तो सारा जो जो इसका जो अंदर प्लम जो पल्प था सॉरी वो और ज़्यादा इसमें मिक्स हो गया है और इस शक्ल में आया है। तो अच्छा, अभी एक जग बना के मैं नीचे भेज रही हूँ अपनी जिठानी के घर, बाकी फिर हम अपने लिए बनाएंगे। अपना मैं जब सर्व करूँगी जब मेरा मुरब्बा रेडी हो जाएगा, मुरब्बे भी भिजवाऊँगी लेकिन जब वो रेडी हो जाएगा, फ़िलहाल मैं भिजवा देती हूँ क्योंकि गर्मी है, तो अच्छा वो लोग भी खा लें पी लेंगे सॉरी। तो चला मैं इसकी प्रिपरेशन करती हूँ, आइस क्रश कर दें ना इस तरह से, इसे बॉक्स में करके फ्रीज कर देती हूँ, तो जब जब चाहिए होती है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी देखें अच्छा ठीक है, और ये काफ़ी हद तक ठंडा भी हो गया, देखिए और आइस डाल देंगे, अच्छा खासा ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें ना काला नमक ऐड करना था क्योंकि काला नमक ना मेरे पास है नहीं, तो अभी मैं ना रेगुलर सॉल्ट है मेरे पास, मैं भी ना वही यूज़ कर लेती हूँ, काला नमक होता तो और मज़ा आता। अच्छा, मेरा मुरब्बा हो गया है रेडी। इसमें क्योंकि मेरी लाइट चली गई थी उसके बाद मोबाइल चार्ज नहीं था, फिर मैं कितना वेट करती। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, ये डाल के मैंने अच्छी तरह पका लिया था। इसके बाद मैंने ये पुदीना ड्राई करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। अब मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो का, वो मैंगो का शरबत। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है ये ना। पिक्चर भी ले लेना थंबनेल के लिए। तो अगर मज़ीद आइस डालनी है या कुछ करना है तो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो ड्राई जो है ना पुदीना आप करके रखें और आप जो है ना इस शरबत में भी डाल सकते हैं, तो ये बहुत यमी लगता है।
अच्छा, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। रो मैंगोस की मुरब्बा और इसका शरबत जूस बहुत मज़े का होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आमना आप पी के देखेंगी? यस। चलें इब्राहिम। इब्राहिम को बहुत दिल चाह रहा था कि वो पिए फौरन। आप अपना ग्लास लेके उधर सोफे पे बैठ जाएं। इब्राहिम, इब्राहिम अक्सर जो है ना कैमरे के आज सामने आते हुए शाय फील करते हैं। इब्राहिम को अच्छा नहीं लगता तो, लेकिन अभी मैं इसको बुलाऊंगी। इब्राहिम, क्योंकि आज मुझे जो है ना किसी को विश भी करवाना है, तो मैं अभी बताऊंगी मैं किसको विश करने वाली हूँ। आज किसी की बर्थडे है, खैर इब्राहिम की तो 20 मई को बर्थडे है। या आप अपना ग्लास लेके सामने सोफे पर बैठ जाएं और विश कर दें। किसको, किसको विश करना है? मुझे। जी नहीं, नादिया मामी को। आज नादिया मामी की है। हैप्पी बर्थडे नादिया मामी, हैप्पी बर्थडे नादिया मामी। आप सामने सोफे पर बैठ जाओ, फिर से आपकी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि आप हमेशा जो है सामने नहीं आते हो। आइस डालनी है आपको थोड़ी, ये बहुत ओवर फ्लो हो जाएगा इससे तो। अच्छा, आइस भी ना मेल्ट हो गई है, लाइट थी नहीं, अभी अभी आई है लाइट। जल्दी जल्दी थोड़ा सा मोबाइल चार्ज किया और फिर चने बैठ गए आप लोग। बहुत टेस्टी। अच्छा है। हाँ, थोड़ी रिव्यूज़ भी देना आप लोग। रिफ्रेश। चले भाई, मैंने अपना ग्लास भी रेडी कर लिया है, बड़ी मेहनत थक हारने के बाद। ये जैनब का है, औरतों का तो यही होता है यार, सबको करके फिर एंड में अपना करो। अच्छा, आज लंच में मैंने यही किया, फ्रूट चाट और कुछ इस तरह की चीज़ें बना ली थी, क्योंकि मैंने इब्राहिम का आपसे डिस्कस कर लिया था उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, तो फिर अब मैंने कुछ भी स्पाइसी ऐसा बनाया नहीं है, तो बस मैंने कहा भी यही खा लेते हैं, फिर हम खाना जल्दी खा लेंगे इंशाल्लाह। चलो मेरी टर्न है, ये मेरा हो गया। जरा आप खाएंगे? हाँ। डाल के दूँ? ये नहीं खाना आपने, क्यों खाला था? मुरब्बा भी लोगों ने टेस्ट कर लिया, कह रहा मामा बहुत अच्छा बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा लोगों ने टेस्ट कर लिया है। ये वाला स्पून आप लोग, वो हैवी है ना, आपसे हैंडल नहीं होता। ठीक है, खड़े होके खाएंगे आप? नहीं, वहाँ सोफे पे बैठ जाए आप, जाओ यहाँ ना, हवा भी अच्छी है। अच्छा, बॉटल पे आप ना ज्यादा अच्छा यूज़ कर लेती है चीज़ों को। जाओ उधर सोफे बैठो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सही से, सही से पीछे हो जाओ। चलो ये लो, ठीक है। चलो ये मेरा हिस्सा। आमना आपने नहीं खाना? हाँ, थोड़ा मैं जूस ट्राई करूँ जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। इसमें आमना की भी मेहनत है ना आमना? इब्राहिम की भी मेहनत है कि इब्राहिम थोड़ी देर ना मोबाइल लेके खड़ा हो गया था, वो भी एक मेहनत ही होती है गर्मी में। अच्छा, यहाँ ज़रा हवा है तो हम सब यहीं बैठ गए, तो चलो मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसा बना है। अच्छा, बहुत यम्मी बना है, और इसमें जो आइस और जो पल्प आ रहा है ना, बहुत मज़े का लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जैनब, थैंक यू इब्राहिम, बहुत टेस्टी बना। हाँ, थैंक यू आमना, थैंक यू नादिया, आपने बहुत अच्छा जूस बनाया है, थैंक यू। मैंने मुरब्बा भी चेक नहीं किया कैसा बना है, मुरब्बा बच्चों ने चेक किया थोड़ा थोड़ा खा के। चले हम अब करते हैं व्लॉग को यहीं एंड, मुझे लग रहा है आज मेरा व्लॉग बहुत लॉन्ग चला गया है, तो इंशाल्लाह। इब्राहिम ये बाउल ना बाबा के लिए ले जाओ जी, उस वक्त बाबा खाने रहते हैं तो आप ले जाओ, ठीक है सैनब? अब बाय बाय कर दें आप भी, बाय बाय, इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नहीं पता आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा होगा, लेकिन बहुत इजाज़त दीजिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अल्लाह हाफिज़।